गाइज़ वेलकम बैक टू माई चैनल अ न्यू डे एंड अ न्यू व्लॉग। तो आज मैं फिर से एक ड्राइविंग ट्यूटोरियल बना रही हूँ एंड बहुत दिन के बाद फिर से कर रही हूँ क्योंकि अभी इतना दिन से इतना गर्मी था कि दिन में मैं शूट कर ही नहीं पा रही थी। फ़ोन बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है जब सामने रख के करती हूँ, मैं ये पिछला वीडियो में भी बताई हूँ, इसलिए अभी बहुत दिन के गैप में ये ड्राइविंग ट्यूटोरियल वाला वीडियो आ रहा है। तो एनीवेज अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगी। तो आज भी मैं बेयर फुट ड्राइविंग वीडियो ही दिखाऊंगी फॉर लर्नर्स। एंड फिर से मेरे पास रिक्वेस्ट आया था कि पेडल व्यू में विथ पेडल प्रेशर इसके साथ फिर से एक वीडियो बनाने के लिए, तो उसी का अभी मैं फिर से बना रही हूँ। एंड हाँ, एक और मेरे सब्सक्राइबर में, सॉरी मुझे नाम याद नहीं है, बट उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि सिल्वर या गोल्डन नेल पेंट लगा के बेयर फुट ड्राइविंग का। अभी मेरे पास वो नेल पेंट अवेलेबल नहीं है इसलिए मैं वो वाला नहीं कर पा रही हूँ। बट हाँ, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं कुछ और पेडल व्यू या उसमें करूँगी, मैं कोशिश करूँगी वो वाला नेल पेंट लगा के करने का। तो एनीवेज अभी स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। सबसे पहले अभी स्टेप नंबर 1 होगा कि गाड़ी को स्टार्ट करके फिर उसके बाद सबसे पहले फर्स्ट गियर देना है। एंड फर्स्ट गियर कैसे डालना है, उसमें फुल प्रेस मतलब कितना प्रेस करना पड़ता है, ये भी मैं दिखा दे रही हूँ बेयर फुट से। इसमें नीचे में मैं इसे दिखा रही हूँ उस चीज़ का, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। एनीवेज तो हाँ, तो सबसे पहले गाड़ी को स्टार्ट करती हूँ स्टेप नंबर 1। तो सबसे पहले जब गाड़ी स्टार्ट करी हूँ, गियर मेरा ये न्यूट्रल में है, एकदम न्यूट्रल गियर है। एंड अभी मुझे गाड़ी का ये इग्निशन ऑन करना है। ये हो गया गाड़ी ऑन। मेरा पैर होगा क्लच में जब मैं स्टार्ट करूँगी, जब मैं गियर डालूँगी। तो ये है क्लच, ये है ब्रेक एंड ये है एक्सेलरेटर। तो ब्रेक एंड एक्सेलरेटर मेरा राइट लेग पे होगा एंड क्लच हमेशा लेफ्ट लेग पे होगा। तो अभी मैं फर्स्ट गियर डालूंगी, इसके लिए फुल ये मैं क्लच प्रेस की, ये पूरा गया क्लच अंदर, जितना भी पूरा अंदर तक जा सकता है क्लच वो पूरा प्रेस करना पड़ेगा। तो ये हो गया क्लच फुल प्रेस। गियर शिफ्ट, तो पूरा क्लच रख के ये हो गया फर्स्ट गियर, ठीक है। क्लच ऐसे प्रेस करके रखी हूँ, अब धीरे धीरे करके क्लच को छोड़ूंगी। एक्सीलेटर पे बिल्कुल भी पैर नहीं है एंड इसी तरह धीरे धीरे करके मैं क्लच को छोड़ रही हूँ। धीरे धीरे क्लच छोड़ के अभी मैं पूरा छोड़ दी हूँ, अब थोड़ा सा एक्सीलरेटर दे रही हूँ ताकि गाड़ी थोड़ा सा हल्के से आगे जाए, ठीक है। ऐसे करके एकदम धीरे धीरे एक्सीलरेटर देना होगा ताकि गाड़ी थोड़ा सा आगे जाए। अब मुझे गियर चेंज करना है एंड अब मुझे डालना है सेकेंड गियर क्योंकि गाड़ी ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। फिर से मुझे क्लच फुल ऐसे प्रेस करना है एंड ये हो गया सेकेंड गियर। सेकेंड गियर डालने के बाद फिर से ऐसे धीरे 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 मैं क्लच छोड़ दी और अब फिर से एक्सेलरेटर कर मतलब प्रेस करना है। तो एक्सेलरेटर थोड़ा और थोड़ा सा पहले से जोर से दबा रही हूँ क्योंकि अभी मेरी गाड़ी सेकेंड गियर पे चल रही है एंड सामने एक साइकिल जा रहा है, तो इसके लिए थोड़ा सा ब्रेक में मैं पैर रख रही हूँ ताकि थोड़ा सा स्पीड कम हो। और अभी फिर से एक्सेलरेटर में प्रेस कर रही हूँ ताकि एक्सेलरेट फिर से हो एंड गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे बढ़े। ये है गाड़ी का स्पीड अभी अराउंड 20-25। तो जब तक मैं सेकेंड गियर में चला रही हूँ, सेकेंड गियर में गाड़ी का स्पीड होना चाहिए अराउंड 20-30। जब भी एक्सेलरेटर प्रेस करना होगा तो क्लच हमेशा छोड़ के ही एक्सेलरेटर प्रेस करना है। मतलब प्लेन रोड में ड्राइविंग के टाइम दोनों एक साथ में प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है। सामने जैसे गाड़ी आ गया तो तुरंत मुझे क्लच ब्रेक करके थोड़ा सा इसका स्पीड कम करना हुआ क्योंकि अगर रोकना होगा पूरा। तो अब धीरे धीरे फिर मैं क्लच छोड़ रही हूँ, फिर एक्सेलरेटर को प्रेस कर रही हूँ। प्लेन रोड में ड्राइविंग के टाइम दोनों एक साथ में प्रेस करने का जरूरत नहीं पड़ता है क्योंकि क्लच होता है गियर शिफ्टिंग के लिए एंड उसके बाद क्लच को धीरे धीरे छोड़ के फिर एक्सेलरेटर को प्रेस करने से ही गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी एंड उसका एक स्पीड कांस्टेंट पकड़ के रखेगा। अब सामने में थोड़ा सा खाली रोड है तो ये सही मौका है थर्ड गियर उठाने का। अभी मुझे सेकेंड से थर्ड गियर करना है। एक्सेलरेटर को मैं ऐसे ही प्रेस करके रखी हूँ ताकि स्पीड को मेंटेन रहे। तो अभी 30 का स्पीड मेंटेन है एंड मैं ये करूँगी अभी गियर को सेकेंड से थर्ड में शिफ्ट करूँगी और ये मैं क्लच फिर से प्रेस की एंड यहाँ पे गियर चेंज की ऐसे थर्ड। क्लच को मैं धीरे से छोड़ दी थी और एक्सेलरेटर पे अभी थोड़ा सा और प्रेशर बढ़ा रही हूँ ताकि स्पीड और 30 के ऊपर वो मेंटेन्ड रहे।
अब सामने में फिर से खाली रोड है, तो अब मुझे करना है फोर्थ गियर। एंड गियर शिफ्टिंग के टाइम हमेशा सेम रूल है, क्लच फुल प्रेस होना चाहिए एंड फिर गियर डालना है। इतना प्रेस करके स्पीड बढ़ा के रखना चाहिए कि मैं थर्ड फोर्थ गियर उठा पाऊँ। तो 40 का ऊपर स्पीड जाने पे मैं फोर्थ गियर करूँगी, ठीक है। तो अभी मैं एक्सीलरेटर पे छोड़ रही हूँ, क्लच को फुल प्रेस की, फिर ये गियर फोर्थ, ठीक है। स्पीड यहाँ पे 40 या 45 तक स्पीड होने से मैं फोर्थ गियर कंटिन्यू करूँगी। अब करते हैं फिफ्थ गियर। सामने में थोड़ा सा खाली रोड है, तो थोड़ा सा और मुझे स्पीड बढ़ाना होगा, अराउंड 60 तक ले जाना होगा स्पीड, उसके बाद मैं फिफ्थ गियर डालूंगी। फिफ्थ गियर तक स्पीड ले जाते जाते उसके पहले ही सामने गाड़ी आ गई, तो मुझे ब्रेक करके गाड़ी का स्पीड रोकना पड़ रहा है, मतलब कम करना पड़ रहा है। तो अभी फिफ्थ गियर नहीं उठा पाऊंगी, बहुत सारा गाड़ी है सामने में। हमने जैसे सिग्नल आ गया है तो मुझे गाड़ी को फुल रोकना है। जब गाड़ी को फुल रोकना होगा तब ओनली ब्रेक नहीं, पहले ब्रेक करके धीरे धीरे स्पीड कम करना है एंड फिर क्लच ब्रेक करके गाड़ी को पूरा ऐसे रोकना है। तो इतना बिजी रोड में जितना हो पाया मैं कोशिश की दिखाने का, फर्स्ट टू फोर्थ गियर मैं कर पाई, फिफ्थ गियर नहीं उठा पा रही थी क्योंकि इतना गाड़ी आ जा रहा है, मैं 60 के ऊपर स्पीड नहीं ले जा पा रही हूँ कि मैं फिफ्थ गियर कर सकूँ। फिफ्थ गियर करने के लिए अराउंड 60 के ऊपर स्पीड होना चाहिए, उतना स्पीड उठाने का जगह नहीं मिला मुझे। एंड एनीवेज तो फर्स्ट गियर टू फोर्थ गियर ही मैं कर पाई एंड वही दिखाई, एंड गियर शिफ्टिंग का प्रोसेस भी मैं अच्छे से दिखाने की कोशिश की। एंड आई होप आप लोग को थोड़ा सा इस वीडियो में समझ में आया होगा कि कैसे करके गियर को शिफ्ट करना है, किस तरह करके गाड़ी को फुल रोकना है, या फिर किस तरह करके स्पीड कम करना है, कब ब्रेक में पैर लगाना है। तो ये सब धीरे धीरे करके मैं दिखाने की कोशिश की जितना हो पाया इतना बिजी रोड में। एंड एनीवेज तो आई होप आप लोगों को आज का ये ट्यूटोरियल थोड़ा सा भी काम आएगा देख के। मेनली मैं लर्नर्स के लिए दिखा रही हूँ, इसलिए मैं धीरे धीरे करके हर एक स्टेप में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तो ठीक है, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इससे कुछ फ़ायदा हुआ कि नहीं, एंड क्या आप लोग सीख पाए हैं, एंड आप लोग का एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है बींग अ लर्नर। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड भी हो तो भी अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हो, अपने इनिशियल डेज का या कुछ भी ड्राइविंग रिलेटेड होगा एक्सपीरियंस तो। एंड ठीक है, तो आज का इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये छोटा सा व्लॉग देखने में अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे फिर अगला व्लॉग में, एंड तब